जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार घिरी हुई है कानून व्यवस्था के मामले को लेकर। विपक्ष की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार और राज्य के गृह मंत्री महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नाकामयाब साबित हुए हैं और महाराष्ट्र में अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं। और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक आपराधिक वारदातों से महाराष्ट्र थर्रा रहा है। अब ऐसे में संजय राउत ने, जो कि शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद हैं, उन्होंने एक तरीका अपनाया है शिंदे सरकार को घेरने की खातिर। और यह तरीका है कि सोशल मीडिया अकाउंट जो एक्स है उनका, उस पर वो हर एक दो दिन में कुछ इस तरह की तस्वीरें डाल रहे हैं जिससे कि एकनाथ शिंदे की फजीती हो रही है, उनके सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो संजय राउत कर क्या रहे हैं? संजय राउत फोटो बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये फोटो बॉम्ब क्या है? दरअसल संजय राउत ढूंढ ढूंढ कर ऐसी तस्वीरों को अपने अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या फिर उनके बेटे श्रीकांत शिंदे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जिनके ऊपर की आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो भी गंभीर अपराध के, जैसे कि जबरन उगाही के, अपहरण के, फिरौती के, डकैती के, इस जैसे मामले दर्ज हैं, ऐसे लोगों के साथ वो तस्वीर खिंचाते नजर आ रहे हैं। लोग, ऐसे अपराधी उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। तो हर दो तीन दिन में संजय राउत अपने एक्स हैंडल पर ऐसी तस्वीर पोस्ट करते हैं और फिर शिंदे सरकार को घेरते हैं। ताजा तस्वीर उन्होंने पेश की एक शख्स की और उन्होंने उसके नीचे एक लाइन लिखी, पहचान कौन? महोदय लाल सिंह है, वसूली और अपहरण के आरोपी। तो उनके साथ एकनाथ शिंदे की तस्वीर संजय राउत के हाथ लगी तो इसको इन्होंने पोस्ट कर दिया और कहा कि देखिए एकनाथ शिंदे के साथ किस तरह से ऐसा आरोपी तस्वीर खिंचा रहा है जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। उसके दो दिनों पहले भी उन्होंने नासिक के एक आरोपी वेंकट मोरे, जिसके ऊपर संजय राउत के मुताबिक डकैती के आरोप हैं, उनके साथ एकनाथ शिंदे की जो तस्वीर थी उसको उन्होंने पोस्ट किया। उसके दो दिनों पहले मॉरिस नोरोना, जिसने कि ठाकरे गुट के नेता की हत्या की बोरीवली में, आपको याद होगा कि वो मामला जहां पर फेसबुक लाइव के दौरान ही 5 बार गोलियां चलाई गई और जो अभिषेक घोसालकर नाम के युवा नेता थे ठाकरे गुट के, उनकी हत्या हो गई। तो जो हत्या करने वाला शख्स था मॉरिस नोरोना, जिसने खुद को भी गोली मार ली, उसकी एकनाथ शिंदे के साथ तस्वीर को उन्होंने पोस्ट किया। पुणे के किसी कुख्यात आरोपी की फोटो है एकनाथ शिंदे के साथ। तो अब तक बीते 10 दिनों में 7 से 8 ऐसी तस्वीरें संजय राउत पेश कर चुके हैं जो कि एकनाथ शिंदे के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। और खास करके अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें, जब महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की हालत खराब हो रही है और ऐसे में एकनाथ शिंदे की तस्वीरें अगर अपराधियों के साथ सामने आ रही हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल तो पूछे जाएंगे ही, सवाल खड़े होंगे ही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई, आम आदमी को अगर मुख्यमंत्री से मिलना है, उसे अपनी कोई फरियाद लेकर जानी है, कोई काम करवाना है, तो उसको तो घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता है, मंत्रालय के बाहर लाइन लगानी पड़ती है, अपॉइंटमेंट बड़ी मुश्किल से मिलता है, और मिलता भी है तो बस चंद पलों के लिए वो मुख्यमंत्री के सामने हाजिर हो पाता है। लेकिन यहां जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं उसमें तो हंसते मुस्कुराते हुए एकनाथ शिंदे के साथ तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के लोग देखे जा रहे हैं, उनको फूल का कोई गुलदस्ता दे रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, तो इनको इतनी आसानी से एक्सेस कैसे मिल जाता है? जाहिर है ये एक्सेस दिलाते हैं पार्टी के नेता ही। एक नेता को भी एकनाथ शिंदे ने पार्टी से निकाल दिया, जब उनके बेटे का नाम उछला श्रीकांत शिंदे के साथ एक तस्वीर जब शेयर की संजय राउत ने तो। लेकिन इसी प्रकार के लोग जो है पार्टी के, वही तो इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लेकर आते हैं और फिर वो उनके साथ तस्वीरें निकालते हैं। अब तस्वीरों का क्या इस्तेमाल होता है? तस्वीरों का इस्तेमाल यही होता है धौंस जमाने के लिए।
जिनको डराना धमकाना है, जिनसे उगाही करनी है, तो दिखाया जाता है कि भाई अपना तो संबंध, अपनी जान पहचान जो है सीएम के साथ है। पुलिस वालों को भी कई बार हड़का दिया जाता है इसी तरीके से, तो ऐसे बेजा इस्तेमाल होता है इन तस्वीरों का। दूसरी बात यह कि यह सिर्फ एकनाथ शिंदे की सरकार के वक्त ही ऐसा हो रहा है, यह भी नहीं है। सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के साथ भूतकाल में अपराधियों के साथ तस्वीरें आ चुकी हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, एक मिसाल देता हूं। जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और तब अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, तो उनकी भी एक तस्वीर वायरल हुई थी, और यह तस्वीर वायरल की थी मोहित कंबोज नाम के एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने। उसने वो तस्वीर में दिखाया था कि किस तरह से चिंकू पठान नाम का एक ड्रग माफिया, जो कि इस वक्त जेल में है और जिसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने एक ड्रग्स की, मेफेड्रोन नाम के ड्रग की फैक्ट्री जो चला रहा था मुंबई के डोंगरी इलाके में, तो वो शख्स अनिल देशमुख के साथ मौजूद है, अनिल देशमुख के साथ तस्वीरें निकाल रहा है। भूतकाल में और भी ऐसे मामले आए हैं जहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के साथ आपराधिक छवि के लोगों ने तस्वीरें खिंचाई हैं। अब यहां पर एकनाथ शिंदे की ओर से सफाई ये दी जा रही है कि देखिए वो तो जनता के नेता हैं, सैकड़ों लोगों से रोजाना मिलते हैं, कई लोग उनके साथ तस्वीरें निकालते हैं, तो ऐसे में सबका बैकग्राउंड तो वो चेक नहीं कर सकते कि किस कौन किस अपराध में शामिल रहा है। लेकिन यहां पर यह बात भी बोलना जरूरी है कि देखिए मुख्यमंत्री होने के नाते आपके पास एक्सेस होता है, आपके पास स्पेशल ब्रांच होती है मुंबई पुलिस की, स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है, जिनसे कि आप ब्रीफिंग ले सकते हैं कि भाई किस शख्स की क्या छवि रही है, किसके खिलाफ क्या मामले रहे हैं, किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं मिलना चाहिए, तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते थे। तो यहां ये बात भी आती है। बहरहाल राज्य की मौजूदा स्थिति जिस तरह से बद से बदतर होती जा रही है, एक के बाद एक आपराधिक वारदातें हो रही हैं, उससे विपक्ष को एक मौका तो मिल गया है इन तस्वीरों के बहाने शिंदे सरकार को घेरने का और गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस को घेरने का। तो महाराष्ट्र की सियासत में काफी कुछ हलचल हो रही है, बहुत कुछ उठापटक हो रही है, और उस उठापटक पर मेरी नजर बनी रहेगी। इस खबर पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।